अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अनायस किचन। अनायस किचन में आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ वो है राजमा कीमा विद राइस। राजमा कीमा बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको वन बाय वन बताती रहूँगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। देखिए, एक बड़ी मैंने प्याज लिए तो स्लाइस कर लिए, आधा प्याली ऑयल में मैं इसको अच्छा सा ब्राउन कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल करूँगी। ये देखें तकरीबन 1 पाव कीमा ही है। अब मैं इसको तैयार करता हूँ। अब इसी में हम टमाटर भी शामिल कर देंगे। अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो आप 2 डाल दीजिएगा और छोटे हैं तो 3। मेरे पास छोटे टमाटर थे, मैंने 3 दरमियाने टमाटर ले लिए। अब मैं इसको थोड़ी देर कवर करूंगी ताकि हमारे टमाटर जो है थोड़े से नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। कवर इसलिए करूँ टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और कीमा भी, फिर हम मसाले वगैरह डालेंगे इसके। देखिए मैंने इसको कवर कर दिया। अब हम कीमे में मसाला जो बनाएंगे वो हम बना वो उसमें डालते हैं। ये देखिए आधा प्याली मैंने दही ली है, इसके अंदर जो है देखिए 1/2 टीस्पून में हल्दी डालूंगी। अच्छा देखिए 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं, बिल्कुल भर के नहीं लिए हैं क्योंकि इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी जाएंगी। और ये देखिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये देखें 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल कर दी। बस ये तमाम मसाले जाएंगे और मैं नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालूंगी। नमक में 1 टीस्पून लूंगी और मैं टेस्ट कर लूंगी ये अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखिए ये हमारा तमाम मसाला है। ये देखें दही में जो हमने तमाम मसाले शामिल किए थे अब हम इसको कीमे में शामिल कर देंगे। टमाटर हमारे तकरीबन गल गए आधे। अब हम दही के साथ और तमाम मसाले कीमे को पकाएंगे और इसके अंदर जो मैं खड़ा गरम मसाला शामिल करूँगी, देखें एक तेज़ पत्ता लिया मैंने छोटा सा और इसके साथ 2 बड़ी इलायची ली हैं, 5 अदद लौंगे हैं और 8-10 काली मिर्चें हैं। बस ये गरम मसाला इसमें जाएगा। तमाम गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूँगी कीमे के अंदर, अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि अभी हमारे कीमा तमाम मसालों का अच्छा सा गल जाए, पक जाए। कीमे के अंदर देखें जो हमने टमाटर और तमाम मसाले डाले थे तमाम खुश्क हो गए। अब हम इसको अच्छी से भुनाई करेंगे। जब ऑयल इसका पूरा ऊपर आ जाएगा तो पहले मैं जो है इसके अंदर पानी थोड़ा सा डालूँगी ताकि वो हल्की सी ग्रेवी आ जाए, कीमा बिल्कुल खुश्क ना रहे। ये देखिए हमारा कीमा अच्छा सा भुन गया है। इसके अंदर तकरीबन मैं 1/2 कप जो है पानी शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए राजमा जो है ये मैंने लोबिया ले लिए 1 प्याली, इसको मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया। इसके साथ मैंने 2 बड़ी हरी मिर्चें ये देखिए काट के डाल दी इसके साथ। अब मैं पानी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों को ग्रेवी और रखनी तो आप थोड़ा सा पानी और शामिल करके इसको कवर कर सकते हैं। अब हम राइस की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक पैन में तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है इसके अंदर और ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और चावल जो है मैं तकरीबन 1 पाव यानी 1 गिलास मैंने चावल लिए हैं, वो मैंने पहले से भिगो दिए थे, अब मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया।
और ये देख रही हैं आप, हरा धनिया लिया है मैंने थोड़ा सा, एक मुट्ठी, और इसके में अंदर मैंने दो छोटी हरी मिर्चें देखें आपको नज़र आ रही होंगी, इसको मैंने काट दिए। ये हम मिक्स कर देंगे, और इसके साथ आपके पास अगर फ्रेश पुदीना हो तो वो आप शामिल कर दीजिएगा एक मुट्ठी, लेकिन मेरे पास था नहीं, मैंने सूखा पुदीना इसमें शामिल कर दिया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और ये देखें 1 टीस्पून तकरीबन मैंने नमक शामिल कर दिया। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखें मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे इसके अंदर। और चावलों को फिर हम अच्छा सा दम देंगे। ये देखें चावल हमारे, अब पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, पूरा 1 गिलास मैंने भर के डाला है, और थोड़ा सा और। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें हमारे खिले खिले राइस बिल्कुल रेडी होंगे, बहुत मज़ेदार। आप इसकी खुशबू जब आप बनाएंगे तो उसको आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़ेदार ये चावल बने हुए। मैं इसको, ये देखें मैंने प्याली ली है राउंड सी, मैं ये देखें इसको शेप दे रही हूँ एक बाउल की तरह, मैं इसको बना रही हूँ प्लेटर में। ये देखें इसको सेट करने के लिए, ये देखें इसको मैंने सेंटर में रख दिया। अब मैं इसके साइड में ये राजमा कीमा, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया साइडों में, और ऊपर से मैंने हरा धनिया और अदरक से गार्निश किया है। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, फटाफट बनने वाली रेसिपी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।